दोस्तों आप इस समय देख रहे हैं सनातन टीवी। सनातन टीवी पर एक बहुत ही प्रतीक्षित कार्यक्रम कौन बनेगा भजन सम्राट, जो काफी समय से प्रतीक्षारत है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जब जानकारी हमारे जो बिल्कुल नजदीक बैठे हैं भाई कुलदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन टीवी में। जी नमस्कार। कौन बनेगा भजन सम्राट के सेट पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जी धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हम बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपका जो एक छोटा सा जीवन परिचय मैं चाहूँगा संक्षिप्त में आप दें हमारे दर्शकों को, चूंकि आप एक बहुत बड़े भजन प्रेमी हैं और आपका वो भजन प्रेम आपको यहाँ तक खींच कर लाया है। जी, तो आप संक्षिप्त जीवन परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज चैनल का स्टेट हेड हूँ, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों स्टेटों को देख रहा हूँ। इसमें मैं पॉलिटिक्स और क्राइम दोनों देखता हूँ। इससे पूर्व में जो मेरा बचपन था, बचपन से ही इच्छा रहती थी कि मैं मीडिया के साथ जुड़ूं, और पढ़ाई करते करते, शिक्षा प्राप्त करते करते धीमे धीमे प्रिंट मीडिया की तरफ आकर्षित हुआ। वहाँ मैं अमर उजाला और दैनिक जागरण में थोड़ा थोड़ा लिखने लगा, कभी भजन लिख दिया, कभी कविताएं लिख दी। फिर थोड़ा और पढ़ा हुआ जब ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के बाद में थोड़ा सा मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं लिखने लगा नाकाऊ से दोस्ती नाकाऊ से बैर। बहुत चर्चित आपका कॉलम रहा है। बहुत चर्चित कॉलम था ये। उसके बाद में कौ नृप होए हमें कहानी, ये भी बहुत चर्चित आपका, ये दोनों बहुत चर्चित ही रहे हैं। इसमें मैं कभी किसी में कभी किसी में से लिखता रहा, जब क्योंकि पढ़ाई के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में फिर एक कैरियर बनाना होता है, उसमें मैं कहीं प्राइवेट नौकरी की, उसी बीच में मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। और बैंक में सिलेक्शन होने के बाद में 21 साल मैंने इस बैंक में थे आप। मैं पहले जो सिलेक्ट हुआ था वो हुआ था ICICI बैंक। ओके। ICICI बैंक हुआ, फिर मुझे एक नेशनल बैंक में काम करने का मौका मिला, फिर नेशनल बैंक में काम किया। अब मैं रिटायर्ड हूँ, मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट मैंने लिया, और 2008 से और मैं मीडिया के साथ जुड़ा। और मीडिया के साथ हमारे मित्र हैं श्रीवास्तव जी, उनके साथ फिर मैं सारा में भी हमारे साथ हैं। मैं भी सारा में हूँ, रहे थे सारा के बाद में, फिर वो आगे बढ़े और अपना ये एक छोटा सा चैनल बनाया श्रीवास्तव। तो, तो पहले वेब पोर्टल बना, फिर बाद में ऑन एयर चैनल है और मैं अभी इसी चैनल के साथ काम कर रहा हूँ। आपका इस कौन बनेगा भजन सम्राट के सेट पर बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप भजन प्रेमी हैं और आप हमेशा भजन अंतर मन में गुनगुनाते रहते हैं, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए आप अपना कोई भी पसंदीदा भजन गुनगुनाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको मेरे मन की बात को जी और दर्शकों तक पहुंचाया है। और अब चूंकि आपका नाम भी कुलदीप शर्मा है और मेरा नाम कुलदीप सिंह राजपूत है, तो चूंकि दोनों ही जब कुलदीप हैं तो मन तो कहीं ना कहीं मेल खाता ही है। बिल्कुल, दोनों अंतर मन तो कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है, जुड़ा हुआ है। और अंतर मन की जो भावनाएं होती हैं वो भावनाएं आती ही है, चाहे वो बाद में आए, देर से आए, लेकिन जबान पर अंतर मन की भावना आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका अनुरोध भी है और आदेश भी है, मैं आपके अनुरोध और आदेश को बिल्कुल नहीं टालूंगा। जी, दर्शक हमारे जरूर सुनना चाहेंगे। दर्शकों को मैं, मेरी भी इच्छा है कि दर्शकों को मैं एक भजन की कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। ये भजन है, लिखा भी मेरे मित्र ने है, एक मेरे मित्र हैं भरद्वाज जी, उन्होंने इस भजन को लिखा। और सबसे पहले लिखने के बाद ये भजन मैंने पहली बार गाया। अच्छा। और ये पहली बार जो ये भजन गाया था, हम लोगों का एक ग्रुप था, हम ट्रेन में चलते थे, तो ये ट्रेन में सबसे पहले ये भजन मैंने गाया। अच्छा। और बहुत इसको प्रसिद्ध, अभी भी हम एक जीवन की ट्रेन में ही हैं। बिल्कुल, ट्रेन के दरमियान ये कार्यक्रम है। तो इस भजन की मैं चार लाइनें सुना देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत। यहाँ कोई नहीं अपना,
यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है, यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है, किस वस्तु से करे प्रीति, कोई संग न जानी है। एक फूल सा बचपन था जो बीत गया सारा, एक फूल सा बचपन था जो बीत गया सारा, बाकी की जिंदगानी कांटों पे बितानी है, यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया ही बेगानी है, किस वस्तु से कर प्रीति, कोई संग न जानी है। बहुत सुंदर, यही है, किससे करें प्रीति, कोई संग न जानी, संग न जानी है। बहुत खूबसूरत भजन के साथ आपने अपना परिचय दिया। मैं आपका एक छोटा सा फीडबैक जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक मुझे लगा कि इस कार्यक्रम की आत्मा ने आपके साथ जो आत्मसंघात किया, उसके फलस्वरूप आप हमारे साथ बैठे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं जी। ऐसे ही और भी लोग जब इस कार्यक्रम के बारे में सुनेंगे या देखेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर आप अभी तो प्रोग्राम का चूंकि अभी उरूज भी नहीं, अभी तो आगाज ही हुआ है, आगाज भी सिर्फ अभी ऑडिशन चल रहे हैं, अभी इसका फिर मेगा ऑडिशन होना है, फिर फाइनल ऑडिशन होने हैं, उसके बाद में फिर उसका टीवी शूट तैयार होगा, देन फिर वो कार्यक्रम दर्शकों तक पहुंचेगा जी। तो अभी एक लंबा सफर बाकी है, अक्टूबर से ही कार्यक्रम टीवी पर होगा जी, तो लगभग 5 महीने अभी हैं, तो इस 5 महीने के दरमियान क्या कौतूहल रहेगा हमारे दर्शकों के बीच में या भजन प्रेमियों के बीच में, तो उसके बारे में आपका एक फीडबैक जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है इस कार्यक्रम की हाइट होगी, क्या कार्यक्रम होगा, आपकी क्या राय है? देखिए कुलदीप जी, जहाँ तक एक कार्यक्रम की सफलता और असफलता, उसका जो श्रेय जाता है वो दर्शक, जो अपने दर्शक हैं ये अपने दर्शक निर्धारित करते हैं, और दर्शक जहाँ तक आपने कौन बनेगा करोड़पति, जहाँ तक जैसे जो रियलिटी शो आए जी जी, और एक लिटिल चैम, फिर नच बलिए, इस तरीके के जो कार्यक्रम आए और उन कार्यक्रमों को देखते हुए अगर आज आपने ये कदम उठाए या सनातन टीवी ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सनातन टीवी को कि एक ऐसा कार्यक्रम लेके आए हैं आप, जहाँ के आज जितनी भी भागम भाग की जिंदगी है उसमें कोई भी व्यक्ति बेशक मंदिर जाता है या नहीं जाता, भजन करता है या नहीं करता, या भजन करता भी तो किसी को नहीं पता, लेकिन संगीत के माध्यम से और भगवान से सीधे अपने मन को वहां तक जोड़ना, ये जो हमारे शास्त्रों वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है एक नवदा भक्ति जी, नवदा भक्ति का तुलसीदास जी ने प्रथम भगत इमम, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी भगत रत कथा प्रसंगा, इस तरीके से तुलसीदास जी ने भक्ति का जो किया है, तो इन नवदा भक्ति में ये एक जो भजन की जो भक्ति है ये एक आत्मा का परमात्मा के साथ वास्तविक रूप में आदान प्रदान है, अपनी बात परमात्मा तक पहुंचाना और अपने मन से परमात्मा तक पहुंचना। ये एक तरीके से पासवर्ड है, ये एक परमात्मा को, बिल्कुल परमात्मा का एक चैनल है, एक चैनल ऑफ गॉड है, उसको देखने के लिए पासवर्ड है, तो 100% पेड चैनल है ये। तो ये जो चीज है इस चीज को अपने दर्शकों तक पहुंचाना, क्योंकि आज अगर हम देखें कि लिटिल चैंप के तहत छोटा छोटा बालक भी कहेगा कि मैं लिटिल चैंप में जाना चाहूंगा, लेकिन आज अगर किसी कार्यक्रम, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था,
आज आपने देखा होगा कि भजन जो अपने नेशनल लेवल पे जितने भी भजन गायक हैं, दो चार लोग होंगे मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं होंगे। वैसे फिल्मी गाने गाने वाले फिल्मी गाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भजन सिंगिंग के लिए, भजन के कार्यक्रम कुछ मंडलियों तक सीमित रहे, कुछ मंडलियों तक सीमित रह गए। तो किसी चैनल ने उसको प्लेटफॉर्म भी ज्यादा प्रोवाइड नहीं किया, ये सोच करके मेरे से भी लोगों ने कहा कि राजपूत जी आप ये जो अपना SLCPL प्रोडक्शन चलाते हैं जिसमें आप ये कौन बनेगा भजन सम्राट के इतने बड़े बड़े सपने खुद देख रहे हैं या दिखा रहे हैं, ये फ्लॉप होगा, आप इसे चला ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले आपके प्रोग्राम को स्पॉन्सर कहाँ से मिलेंगे। मैंने क्या मतलब है? बोले भाई साहब अभी आप फिल्म का एल्बम बनाइए तो भी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, कौन बनेगा भजन सम्राट के लिए नहीं बने नहीं मिलेगी। मैंने क्यों? मैं भजन सुनना ही नहीं चाहता कोई। मैंने कहा हर आदमी भजन कर रहा है चाहे वो जानता हो या न जानता हो। मैं इस चीज को जो आप जो लोगों ने कहा है मैं इस चीज को सिरे से खारिज कर देता हूँ, क्योंकि आप, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि अगर आप, ये किसी मजहब की बात नहीं है, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा। जैसे ईसाई हैं वो हर संडे चर्च में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चर्च में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, कोई टाइम नहीं है, लेकिन वो संडे चर्च में जरूर जाएगा। मुसलमान है, मुसलमान हर शुक्रवार को, चाहे वो नमाज अदा करता हो या ना करता हो, पांचों वक्त की ना करता हो या वो एक वक्त की भी ना करता हो, लेकिन वो हर शुक्रवार को मस्जिद में 1:30 बजे जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जुमे की नमाज है। अब सिखों की बात करें तो चाहे जो मर्जी हो, कितना भी बिजी समय हो किसी भी सिख के पास में, तो वो अपना कुछ समय निकाल के मत्था टेकने गुरुद्वारा जरूर जाएगा। अब बची बात हिंदुओं की, हिंदुओं के घर में चाहे कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, जब नहाएगा, जब बाथरूम में घुसेगा, और नहीं तो हरिओम हरिओम, मतलब जब भी वो पानी पड़ेगा हरिओम हरिओम, तो ये प्रैक्टिकल चीज है। जब वहां हरिओम निकलता है, तो जब एक कार्यक्रम, और एक ऐसा कार्यक्रम जहां पे कि एक व्यक्ति को आपने सम्राट बनाना है, सम्राट बनाएंगे तो वहां एक प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होगी तो वहां एक अलग अलग लेखक हैं, अलग अलग संत हैं, अलग अलग संतों की वाणी, अलग अलग संतों के मत, वो भजन के रूप में वहां। अच्छा, आपको मैं एक बात और बड़ी अच्छी बता देता हूँ, इस कार्यक्रम में एक साथ 3 लोग प्रमोट होंगे। अच्छा, एक तो मेन मुख्य वही है जो भजन गा रहा है, कौन बनेगा भजन सम्राट यानी कौन है सिंगर जी, दूसरा किसी न किसी ने लिखा भी होगा, बिल्कुल, तो कौन बनेगा भजन लेखक सम्राट, साथ के साथ वो भी कम, तीसरा गाना जब रिदमिक हो, जो आत्मसात स्वतः होता चला जाए, म्यूजिक चाहिए, बिल्कुल, तो इसके लिए फिर इसका जो कंपोजर है वो होगा म्यूजिक कंपोजर। जब ये 3 प्रमोट हो जाएंगे तो चौथा अपने आप प्रमोट हो जाता है, वो है इसका साउंड सिस्टम का जो इंजीनियर, जो भी इसको मतलब जो इसको मेंटेन कर रहा है, जो कोरियोग्राफर होता है वो पूरे उसको करता है। ऐसे ही इसके बाद जो नंबर 5 पे जो मैनेज होता है, जो इसकी लाइट वाला है, जो है क्या है क्या, मैं आपको बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा ख्याल हो, कई जगह पर लाइट एंड साउंड के गेम्स होते हैं। बेसिकली है क्या हमारा कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर और कर देता हूँ। एक तुलसीदास जी से, चूंकि आपने बात उठाई, मैं वहीं से अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी माया मोह से प्राणी फिरे अधीर। तो वैसे चलो मैं ऑनलाइन कहता नहीं हूँ, आज बाय द वे आपसे बात हो रही है तो मैं बताए दे रहा हूँ, चूंकि आप भी कुलदीप और मैं भी कुलदीप, कुछ चीज यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रही, बहुत ज्यादा नहीं, जब हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर कोई और जान ले, दर्शक भी देख ले, कोई बुराई नहीं है। वो ये है कि एक कसक होती है, तो पिछले 36 सालों से भजन की जो कसक थी, और इसमें लगभग 18 साल की सेवा हमारी कुछ उन अनुष्ठानों की है जो मैं करता रहा हूँ, ये नहीं जानता था मुझे क्या करना है। मुझे करना तो भजन चाहिए था, भजन की जगह मैं अनुष्ठान करता रहा जी, जी। दूसरे 18 सालों में कुछ और करता रहा जी। समझ ही नहीं थी, गौर सरकार भी जो है 18 के बाद ही बालिक डिक्लेयर करती है, तो जब हम उस इंडस्ट्री में कह लीजिए, चूंकि उसे इंडस्ट्री वर्ड इसलिए गलती से नहीं निकल गया, वो शायद सही बात है इसलिए निकल आई है, चूंकि आज की तारीख में एक इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है भजन के नाम पर, बिल्कुल, और भजन में वो दे क्या रहे हैं उसी वजह से वो इंडस्ट्री उनकी चल रही है, या अब इंडस्ट्री खत्म होती नजर आ रही है। तो मुझे वो भजन की पूरी एक इंडस्ट्री नजर आई, बीइंग ए मीडिया पर्सनल,
आजकल लोग चैरिटी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं मैं चैरिटी करूं, और लोग स्वेच्छा से जो जिसका जितना बजट है इस चैरिटी को पूरा करने में अपना सहयोग दे। बिल्कुल, ये सोच करके मैंने सनातन टीवी के साथ एसोसिएशन किया। भाई SLCPL प्रोडक्शन का अपना खुद का आकार बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि आप उसे देखना चाहें आंखों से तो हो सकता है जल्दी से आपको नजर ना आए। बिल्कुल, लेकिन आप उसे सूक्ष्म क्यों मानते हैं जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम लेके आ रही है? सूक्ष्म ही बहुत कुछ करता है, मेरा मानना ये है। उस कोई भी ऐसा सूक्ष्मदर्शी आज तक नहीं बना जो उस सूक्ष्म को देख ले, जो उस भजन को मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कायनात चल रही है। दरअसल जब मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रोग्राम मेरे जहन में तब आया जब मैं 9 में पढ़ता था। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जब मैं 9 में पढ़ रहा था उस समय एक मेरे दिमाग में ये था कि जो बेसिकली मैं एक साइंटिस्ट बनने का ख्वाब रखता था, और एक हमारे गुरुजी थे वो मुझे बहुत प्रमोट करते थे, तो उन्होंने मुझे नए नए असाइनमेंट देने, कुछ प्रैक्टिकली वर्किंग मॉडल्स बनाने, वो सब मैं कर रहा था। उसी समय एक थ्योरी डेवलप हुई थी कि साइंस इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड गिफ्टेड, इसके आगे का नहीं पता था। जब मैं BSc में पहुंचा तो ये चीज़ थोड़ी और आगे बढ़ी कि साइंस इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड गिफ्टेड व्हाट एवर वी सी इन नेचर, लेकिन इसके आगे भी कुछ होगा मुझे नहीं पता था। जब उसके बाद में जब मैं कई और पढ़ाइयों में गया, फैशन टेक्नोलॉजी करना, वो तमाम चीज़ें मैं ब्रीफ करता हूँ बाद को, तो लास्ट में जाकर के बीइंग ए मीडिया पर्सनल जब मैंने अपने काम को और आगे बढ़ाया तो मुझे दर्शन में PG करने का मौका मिला, BEd करने का मौका लगा। तो जब मैं PG कर रहा था दर्शन से, उसके बाद मुझे PhD के लिए लोगों ने कहा कि यार राजू जी आप बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, आप PhD क्यों नहीं करते? तो फिर PhD के लिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना। इससे पहले मैं सिविल सर्विस में भी गया था तो वहाँ भी मेरा ये सब्जेक्ट बहुत फेवरेट था। ये तो बहुत अच्छी बात। तो दर्शन से ही मैंने सिविल सर्विस में भी वो सारी चीज़ें अचीव की थी। खैर वो चैप्टर लंबा होगा, फिर मेरा सवाल यहाँ कुछ और है। हाँ, हम विषय से भटक रहे हैं, विषय से ना भटके। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट अब ये है कि साइंस इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड गिफ्टेड व्हाट एवर वी सी इन नेचर यूनिवर्स एंड बियॉन्ड ऑफ दीज यूनिवर्स। ये भजन के साथ जुड़ कर के ही जाना और समझा जा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम के मूल में यही है। इस कार्यक्रम का एक दूसरा प्रोफेशनल स्वरूप हमारा है द टैलेंट ऑफ इंडिया, वो एक दूसरा प्रोग्राम नहीं, इसका मूल प्रोग्राम वही है। उसमें हर तरह का संगीत शामिल है। उसका जो मुखड़ा है, उसका जो कवर पेज है, वो है कौन बनेगा भजन समारा। बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं स्वागत करता हूँ आपके इसका, इस कार्यक्रम का, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कौन बनेगा भजन सम्राट में मेरी कोई भी आवश्यकता, और मैं दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप अपना प्यार कार्यक्रम को, कौन बनेगा भजन सम्राट, इसको अपना प्यार और अपने भावपूर्ण सहयोग है उसे अवश्य दें, और बाकी का आप जैसे भी कार्यक्रम आएगा बहुत दर्शकों घड़ी की सुइयां टिक टिक का इशारा करके हमें बता रही हैं कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और फिर कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर इस कौन बनेगा भजन सम्राट की मेकिंग से जुड़ी हुई और नई बातों को लेकर के। नमस्कार, देखते रहिए सनातन टीवी। बेटा बंद कर।